लंबे हैं लेकिन वो उसमें जान नहीं है, वो लंबे हैं, रुखे बाल है, इसके बाद पूछना चाहूंगी। ठीक है, अभी नारिया अभी हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर लेंगे, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, बट ठीक है, हम तुम्हारा सवाल लेकिन थोड़े से डिटेल्स पूछ रहे थे जो एज यूजुअल हम जरूर पूछते हैं। ये बताओ खाने में क्या खाती हो? खाना मैं दूध नहीं पीती। वेरी गुड, सबसे अच्छा काम करती हो जिसकी वजह से बाल बहुत खराब हो जाते हैं। अगर बाल खराब थे मैं तो दूध ना पिया है ना। अच्छा और बताओ खाने में क्या खाती हो? सिर्फ रोटी और चावल खाती हो, कुछ और भी खाती हो? नहीं मैं रोटी और चावल नहीं हूँ। मैं ही हूँ, खाली रोटी और चावल ही खाती हो? जी जी। अरे वेरी गुड, सबसे अच्छा काम कर रहे क्या है? ठीक है यार, तो प्लीज आप हमारे यहाँ दूध भी पिया करें। हाँ, कोशिश क्या करें कि दूध पिए, लेकिन ये कि इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन कर लेंगे ना, तो फिर हम उनसे सवाल करेंगे आपका के हाँ। जो भी आपने सवाल किया हमारिया इंशाल्लाह अगर हमें याद रहा तो जरूरी होता है कि इसलिए कि ना फिर जब भी कोई डॉक्टर तो पूछते हैं कि भाई क्यों बाल जो है, अब उनको जब हम बताएंगे ना तो सबसे पहले वो जो ये कहेंगे कहेंगे ये चीज जो है ये प्रॉब्लम में अटक थी, इस वजह से इनके बाल जो है ज्यादा खराब हो रहे हैं। अच्छा ज्यादातर ये होता है कि आफ्टर बच्चों के बाद भी, बच्चे जब हो जाते हैं उसके बाद भी खवातीन जो है ना वो अपनी डाइट का बहुत ख्याल नहीं रखती है। हम ये समझते हैं कि हम सिर्फ रोटी और चावल खा के अपनी अपने पेट को भर लेंगे और बस, और सेहत की जहाँ पर बात आती है आपको हर चीज खानी पड़ती है। आप प्रोटीन्स भी खाएं, आपको उसमें कार्ब्स भी खाने हैं, आपको उसमें वेजिटेबल्स भी लेनी है, अंडा भी खाना है, दूध भी पीना है, हर चीज की प्रॉपर मिक्सिंग। अब ये नहीं कि ये सब चीजें एक ही दिन आप सारा खा लें, डिवाइड करें डेज को कि आपने कौन से दिन क्या चीज खानी है, तो वो फिर आपको जाके जो है ना कंप्लीट आपको फिर मील देगा आपको। नरिशमेंट, नरिशमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा मेरी एक दोस्त थी, उन्होंने बताया था, ब्रेक तो नहीं आ रही ना? नहीं, एक कॉल है नरजिस की। नरजिस की कॉल है, चलो जब आप लें कॉल आप लेंगे। अच्छा हेलो, सलाम वालेकुम नरजिस, क्या हाल है? हेलो सलामकुम, आप कैसी है? ईद मुबारक। ईद मुबारक नरजिस, क्या हाल है, कैसी है आप, कैसे है घर में सब? सब अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप दोनों सुनाए, दोनों कैसी हैं? दोनों फिट फाट सेट हैं। अब तो सनिया भी ठीक होगी, अब मैं भी ठीक हो गई हूँ। अच्छा अच्छी लग रही थी, इतने प्रोग्राम आपके देखे दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू नरजिस, मजा आया, बहुत बहुत शुक्रिया। बताओ कि आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद बहुत अच्छी गुजरी, लेकिन ये था कि बस थोड़ी हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई थी, वरना तो बस सही गुजर गई थी। अरे हाय, मेरे साथ में थोड़ी सी ट्रेजेडी होगी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब चीजें चलती हैं जिंदगी में, है ना? हाँ। तो ये कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए उसको हंसी खुशी उसको टाल दें, ताकि आप अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे हर मामले में। हाँ तो अल्लाह का शुक्र है, वही कह रहे ना कि अल्लाह का शुक्र गुजर गई थी, ठीक गुजर गई थी। सही बात है, बड़ी पॉजिटिव आपने बात की। अच्छा बताओ कोई मसला वसला तो नहीं स्किन में या बालों में? बालों में आजकल बाल बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं, बहुत टूट रहे हैं। अच्छा बहुत रफ हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ये बताओ कि आप जो है वॉश डेली करती हो? हाँ सर, गर्मी में तकरीबन रोज ही होता है। तेल लगाती हो? हाँ, तेल वीकली होता है। वीकली नहीं ना, तकरीबन एक दिन छोड़ के लगाए। लोग जो कहते हैं ना कि तेल नहीं लगाना चाहिए, प्रोटीन ट्रीटमेंट भी देनी चाहिए और ऑयल भी लगाना चाहिए, ड्राइनेस ऑयल से ही खत्म होती है, ये बात है। का ही थोड़ा मसला है बाकी ये कि अच्छा स्किन ड्राई है नॉर्मल है, ये भी बता दो। क्या स्किन ड्राई है या नॉर्मल है? स्किन मेरी ऑयली है। ऑयली है, चलो ठीक है, फिर तो ऑयल आप ठीक है, हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करते हो। आपको अभी हम जो है ना जब हमारे मेहमान आएंगे तो आपको सेट वाला टोटका फिर बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए। स्किन ऑयली है, खाना पीना सही है आपका? हाँ खाना पीना वगैरह सब कुछ सही है, बस थोड़ा यही बालों की प्रॉब्लम है। आजकल बहुत टूट रहे हैं, बहुत ज्यादा, या तो शैम्पू शायद चेंज हुआ है इसलिए। शैम्पू पता है अपना देखते इस्तेमाल किया करो, फॉर ड्राई फॉर ऑयली हेयर इस्तेमाल किया करो, क्योंकि अगर आपके बाल ऑयली हैं तो ठीक है। नरजिस बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और हमने इफ्तार टाइम में बहुत मजेदार वक्त गुजारा नरजिस के साथ। उनके घर गए, बल्कि नहीं उनके घर तो खैर नहीं गए, उनके ससुराल गए, उनके मैके गए, सिवाय उनके घर जाने का जो हमारा एक ख्वाब था वो रह गया। बट इंशाल्लाह अगले इफ्तार में, अगले रमजान में कोशिश करेंगे उनके घर जाएं। और नाजिया तो पूरी आई बिलीव आधी से ज्यादा डॉक्टर बन चुकी है, तुम्हारे बाल जब ड्राई हैं तो स्किन कैसी है तुम्हारी? और अच्छा दूध पीती हो? हाँ जरा। और नहीं मैं मैं आपसे ऑफ एयर लिया करूंगी, मुझे ज्यादा ज्यादा मुफीद लगते हैं। एक में जब बहुत मेरा मूड था कि हमारे जितने भी जिन हम लोगों के घर गए थे, हमारे जो मेहमान थे और जिनके घर हम मेजबान बनकर गए थे, उनको सबको हम जो है ना अपने शो में बुलाएं, क्या ख्याल है ना? गुड आइडिया ना नरजिस, खुश होगी नरजिस, बिल्कुल। फिर हम तुम्हारे घर नहीं आ रहे, फिर तुम हमारे घर ही आ रहे हो। ठीक है, हमारे घर है, आप भी आ सकते हैं नाजरीन। और अगर आपने हमारे शो पे आना है, ये एक अच्छा नाजरीन ने बताया,
कि हम एक तरीके से आप लोगों को अपने शो में बुलाना चाह रहे थे क्योंकि एक यू नो इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है। मजा आया था वैसे हाँ, सबके कोई भी आना चाहता है जो हमारा शो शौक से देखता हो, जो मुझे और नाज़िया को जानता हो, ये नहीं एमी शैमी कोई भी बट ये जो भी अगर कोई भी आना चाहता हो शो पे वो हमें आ सकता है। हमारे शो पे फेसबुक पे हमारा पेज है चाय टाइम, उसको ज्वाइन कीजिए, इसके अलावा हमें कॉल भी कर सकता है। और इसके अलावा अगर कोई भी आइडिया है आपके पास कि हम शो को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं या क्या क्या चीजें हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं तो प्लीज प्लीज हमें जरूर बताइए। आपकी जो राय है वो हमेशा ही हमेशा हमारे लिए बहुत मुफीद होती है और थोड़ी सी ही देर में, चंद ही लम्हों में, जिनका हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और हम तो क्या आई एम श्योर आप भी इंतजार करोगे, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। और पूरे रमजान हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई, ये इसका मतलब ये नहीं कि वो उनको कोई मसला था या हमें कोई मसला था, लेकिन हमारा प्रोग्राम ऐसा था जिसमें वो नहीं आ सकते थे, लेकिन बहुत इंतजार करा लिया। नाजिया कौन सा गाना है? इंतहा हो गई इंतजार की। तो नाजीन मैं चाहूंगी कि हम वेलकम करें, नन अदर देन हमारे साथ मौजूद है खुर्रम मुर्शीद। क्या हाल है? ईद मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक, क्या हाल है? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप लोगों का शो जितना अच्छा था उससे और डबल अच्छा हो गया, इतना मतलब काउंटर भी रौनक बढ़ गई है, रकबा बहुत बढ़ गया है। अब तो पता है प्रॉपर रौनक बढ़ गई है, रौनक ये बढ़ गई है। और पता है जरा तैयारी प्रॉपर करके आना पड़ेगा, अब ये लग रहा है वो वाली बात नहीं है, अब सब दिखेगा, ऊपर से नीचे तक दिखेगा। आप यहाँ पर आकर बैठेंगे और हम वहाँ बैठेंगे, ऐसा होने वाला है कुछ मेहमान के लिए। रेड कार्पेट, रेड कार्पेट ट्रीटमेंट आपको ले, ये आप बैठे बैठे प्लीज। अरे वाह वाह, बड़े दो तीन इंकशाफ भी करूंगा ना मैं। किस किस की बात करनी है? बड़े बड़े ब्यूटी टिप्स की बात करेंगे, अच्छा बालों की बात करेंगे, अच्छा उसके साथ साथ हेल्थ की बात करते, फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं बिल्कुल। और मैं एक चीज बोलूँ खुर्रम, आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं और द कलर यू हैव गिवन इज वेरी नाइस। हमें देखो लड़कों पे इतना वो सूट नहीं करता लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा। ये जले नहीं छिले हैं, ये जो है ना किसी को देख कर ये भी हो सकता है। नाजिम बहुत दिनों बाद खुर्रम हमारे शो पे आए हैं, इट्स बीन अ मंथ हमारे शो पे नहीं थे ये, बट ये के थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग अगेन। आप बिल्कुल भी तंग नहीं करते हमारे शो पे आने के लिए, बिल्कुल मैं बड़ा इंतजार करता हूँ कि सनिया जायला होती थी और नाजिया, तो मैं नाजिया भी है, नाजिया का तो मैं मेरा इनका तो पता नहीं कितना पुराना साथ है और हर चैनल पे अच्छा होते हैं साथ साथ। और बल्कि एक दफा एक साहब ने कहा कि इस दफा पहली मरतबा हो रहा है कि पहले तुम और फिर नाजिया, वरना पहले हमेशा नाजिया होती थी इस चैनल पे और मैं पीछे से फॉलो करता था। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है, होना चाहिए। इस दफा मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दी, ये बिल्कुल बड़ा 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 जबरदस्त था। और आज हम बात करने वाले बालों के हवाले से, और कल हमने डिस्कस किया था कि हम बालों पर आज बात करेंगे, तो मौसम भी चेंज हो रहा है, ड्राइनेस भी है बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्प्रिंग भी नहीं है, गिरने लगते हैं। और गिरने का तो हर एक का मसला है, गिरने का तो हर एक का मसला है। अच्छा गिरना बड़ा नेचुरल चीज है, अगर आपके 100 से 150 बाल रोजाना गिरते हैं तो इसका मतलब है कि आपके बाल हेल्दी हैं। लॉजिक मुझे बहुत ही बेकार लगती है वैसे खुर्रम, 100 से 150 बाल गिरना यानी 5 दिन में 1000-2000 बाल गिर जाए आपके लाख। मैं एक दिन गिन रही थी अपने बाल, जब मेरे बहुत ज्यादा गिनना शुरू, मैंने 1, 2, 3, 7, 70 तो नजर आ गए थे मेरे, एक टाइम पे थे ना वो, उसके बाद मेरे बाल हल्के होना शुरू हो गए, मुझे नहीं मिले बाल तो बड़े हेल्दी हो रहे हैं, मतलब वो तो अब हो रहे हैं ना, उसके ट्रीटमेंट प्रोटीन ट्रीटमेंट और पता नहीं क्या क्या करने के बाद आपके इतने सारे टोटके इस्तेमाल किए। बिल्कुल यही मैं सुनना चाह रहा था, ये जाके सारे ट्रीटमेंट। और एक और मेन चीज क्या, देखिए जितने आपके बाल गिरते हैं इसका मतलब है कि दरख्त जो है वो बड़ा हेल्दी है। जब एक दरख्त होता है उसके ग्रीन पत्ते गिर रहे होते हैं तो उसके अंदर से एक नई शाइन आती है, नया ग्लो आता है, पत्ते उसके अच्छे नए निकलते हैं। तो ठीक है जितने आपके बाल गिरते हैं इसका मतलब आपकी ग़िज़ाइयत अच्छी है, आपके अंदर नरिशमेंट ज्यादा जा रही है। अगर वो नहीं जा रही तो इसका मतलब है आपके बाल, वो जो चार बाल है ना, अच्छा हम लोग समझते हैं ना लोग कंघा नहीं करते सारा बाल गिर जाएंगे, ब्रश नहीं करूंगी मैं, क्योंकि वो जो है वो लड़कियां कहती है मैं ब्रश ही नहीं किया 3 दिन से, बस यूं ही हल्का सा कर लेती हूँ, वो सर्कुलेशन नहीं होती, सर्कुलेशन नहीं होती। अच्छा तेल डालने, वो तेल डालने से बाल और गिरते हैं, कहते हैं ना मेरे तो अच्छे जाते हैं, अच्छे होते हैं, कंडीशनिंग होती है आपके, जब आप बाल डालते हैं तो आपके बालों में सर्कुलेशन बढ़ता है, और जो सर्कुलेशन का मतलब ये होता है जो आपने खाया है जो आपके अंदर बॉडी में पड़ा हुआ है वो आपके खून के जरिए सर में जा रहा है। कहते हैं जब तेल भी लगाए, अच्छा तेल का तरीका, तेल जब लगाए ना तो उसको ऐसे ऐसे करके ना स्किन को करना चाहिए ताकि ना वो जो है अच्छी तरह से चम्पी हो जाए, है ना चम्पी। ब्रेक ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, खुर्रम मुर्शीद हमारे साथ मौजूद है और ब्रेक के बाद आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 2 मिनट है शायद।
दो सवाल है जी 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 बिल्कुल। एक तो मैं मारिया ने भी कॉल किया था, उनके बाल जो है गुजरांवाला से उनके बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, और इसलिए भी कि वो खुराक उनकी, मैंने पूछा क्या कहती है, मैं सिर्फ चावल और रोटी वाला सीन है उनका, वो मतलब जो खुराक वाला सीन है वो नहीं, हेल्दी नहीं है। और हमें उनकी भी कॉल आई थी नर्जिस की भी, वो कहते मैं खुराक वाला बिल्कुल सही ले रही हूँ लेकिन फिर भी उनके बाल जो काफी ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, दोनों के ड्राई बाल। देखिए सबसे पहली बात ये, अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं बड़े, कॉल ले लूँ इकट्ठा ईद मुबारक अजरा, क्या हाल है आप सबको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। अजरा क्या पूछना है खुर्रम से? डॉक्टर खुर्रम से मैंने बालों के बारे में पूछना है, मेरे बाल ना बहुत ज्यादा मतलब छोटे हैं, बड़े भी नहीं हो रहे ना। नहीं नहीं, अच्छा अजरा मुझे आपकी बताएं, खुश्की बहुत है, अच्छा दूसरी बात ये बताएं कि गिजा कैसी है, दूध पीती हैं, पालक खाती हैं, मेथी खाती हैं, मकई खाती हैं? सब्जियां वगैरह वैसे लेती हूँ लेकिन दूध चूर नहीं पीती। अरे मैं आपको बड़ा जबरदस्त सा एक मशरूब बता रहा हूँ कि जो आपको पीना है रोजाना, तो आप देखो आपके बाल कितने हेल्दी कितने अच्छे हो जाएंगे। और दूसरी बात ये होगी कि आपको एक तेल भी बता रहे हैं आपको, और एक कंडीशनर भी आज बता रहे हैं, और विटामिन की गोली। नंबर भी चाहिए था मेरा, नंबर बिल्कुल आप ले लें, अभी अभी चले गए वही वाला जो हमेशा वाला उठा लेना है। बिल्कुल उठा ले जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। वैसे आपका आप क्लिनिक का बता दें अपने जहाँ पे आप बैठते हैं ताकि वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक तो बहुत प्राइवेसी थोड़ी हो जाती है। देखिए बड़ा सिंपल, देखिए एक तो मेडिकेयर हॉस्पिटल है शहीद मिल्लत रोड पर, ठीक है, वहाँ रोजाना होता हूँ मंडे ट्यूजडे वेंसडे और सैटरडे, ठीक है, ये चार दिन होता हूँ शाम को, और दो दिन जमजमा पे थर्सडे फ्राइडे। ज्यादा ये बेहतर है कि आप इनको जाके दिखा दें, फोन पे ना पूछा करें ना अपने वो सारे टोटके वगैरह, बेसिक एक आइडिया होता है ना। आपका पेज भी है, पेज भी उस पर भी जा सकते हैं, ठीक है, मगर जैसे होता है कि बहुत सारे, जैसे अगर बहुत सारे सवाल होते हैं, ठीक है, हम लोग तो भाई सीएनबीसी अब तो पक्का है, जो मैं रात को मैं एक घंटा आपके सर पे सवाल होगा ना इंशाल्लाह, बिल्कुल हम बता देंगे आपको, मुझे मैं इसीलिए ये इकरार कर रहा हूं, है ना, इट्स अ प्लेजर कि आप हमारे साथ होते हैं। बट ये नाज़रीन अब हमें ब्रेक लेना है, बिल्कुल, और ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और सवाल आपके जवाब लेंगे। आप देख रहे हैं चाय टाइम, जल्दी से वापस आइएगा।